गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज गेन बाय पूजा। और आज पढ़ेंगे बिहार तथ्य सार, जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो कि बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कोई भी एग्ज़ाम हो जो बिहार कंडक्ट करवाता है, जैसे एस्टेट हो गया, बिहार दरोगा, एसआई एग्ज़ाम, किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जान लेते हैं कि क्या क्या बिहार तथ्य सार है, जो सभी को जानना ज़रूरी है, और ये इंटरव्यू बेसिस पे भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले नाम, बिहार समता बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण। कोई पूछे कि बिहार ही नाम क्यों पड़ा, तो बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण। और स्थापना दिवस है, ये सब इम्पॉर्टेंट है, स्थापना दिवस 22 मार्च। 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में हुई। अगर आप ये सुनेंगे भी तो आपको याद हो जाएगा, 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत के गठन की विधिवत घोषणा जारी की गई। और इससे पूर्व बिहार अविभाजित बंगाल का भाग था। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, स्थापना दिवस 22 मार्च। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे प्रदेश की राजधानी पटना पता है, उच्च न्यायालय पटना, और उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी ये इम्पॉर्टेंट है, मीन्स पटना हाई कोर्ट, तो 1 दिसंबर 1913। और उद्घाटन पूछा तो 3 फरवरी 1916। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान है 13वां, और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान है 3रा, ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार। राजकीय भाषा हिंदी, और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू, मीन्स हिंदी और उर्दू। राजकीय वृक्ष पीपल, पुष्प गेंदा, और राजकीय पशु बैल, और 2013 से पहले रीछ था। राजकीय पक्षी गोरैया, और इससे पहले नीलकंठ था। भौगोलिक परिदृश्य, यहाँ पे कुछ डाटा है, यहाँ पे देख लीजिए, असाची विस्तार 24/20/10 से 27° 31' 15' उत्तरी असाक्ष। आप देखिए क्षेत्रफल इम्पॉर्टेंट है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर, चौड़ाई पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर, शहरी क्षेत्रफल 1,095.49 वर्ग किलोमीटर। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, यह एक भू आवेशित राज्य है, मीन्स लैंड वाला राज्य है। यह उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में झारखंड एवं पश्चिम बंगाल, एवं पश्चिम में उत्तर प्रदेश से घिरा है। ये इम्पॉर्टेंट है, बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 729 किलोमीटर है। हाँ, आप देखिए प्रमंडल है 9, कौन कौन से हैं, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर। जिला 38, अनुमंडल 101, सामुदायिक विकास खंड 534, पंचायत 8,406, राजस्व ग्राम 45,103, नगरीय संकुल समूह 14, नगर 199, पुलिस थाना 853। ये सब ये पूछता है, पुलिस जिला 43, ये इम्पॉर्टेंट है। जितने यहाँ पे डाटा लिखे हैं ऑल आर वेरी इम्पॉर्टेंट। महानगर तो सिर्फ एक है, पटना। विधान मंडल दिवसीय, मीन्स विधानसभा और विधान परिषद दोनों है,
विधानसभा सीटों की संख्या 243, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75, लोकसभा सीटों की संख्या 40, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 और लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें हैं 6, विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 38 और विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें हैं 2। और कोई पूछे राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कितने हैं, तो 3 हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला देश कौन सा है, तो नेपाल, और नेपाल से सटे बिहार के जिले, ये सब पूछता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है 2.86% और कुल वन। बिहार के क्षेत्रफल का प्रतिशत है 7.75%। यहाँ जलवायु है मानसूनी। सबसे बड़ी नदी है गंगा। गर्म कुंड है ब्रह्मा कुंड और सर्वाधिक पाई जाने वाली है जलोढ़ मिट्टी। सर्वप्रथम खाद्य फसल है चावल और सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं क्रमशः है पश्चिमी चंपारण और शिवहर। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले पश्चिमी घटते क्रम में है पश्चिमी चंपारण, गया व पूर्वी चंपारण। और सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले बढ़ते क्रम में शिवहर, अरवल और शेखपुरा। अब यहाँ बात हो रहा है जनसंख्या के बारे में। कुल जनसंख्या है कही तो 11 करोड़ 10 करोड़ के आसपास। पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या 44 लाख समथिंग है, महिला जनसंख्या 49 लाख। जनसंख्या घनत्व है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या वृद्धि दर 25.42%। तो भारत की कुल जनसंख्या का 8.60%। लिंग अनुपात है 918। अगर ऐसे पूछे शिशु लिंग अनुपात तो 935। साक्षरता दर है 61.80%, पुरुष का 71.2%, महिला साक्षरता दर 51.5%, वैसे ग्रामीण का 59.78%। ये डाटा जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये पूछता ही पूछता है। सब सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है रोहतास और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है औरंगाबाद और कम वाला है सहरसा। अब जानते हैं बिहार के इतिहास के बारे में, प्राचीन इतिहास। इसे बस एक कहानी की तरह पढ़ना है और दिमाग में बिठा लेना है क्योंकि क्वेश्चन तो आएंगे ही। मुंगेर से मध्य पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चिरांद सारत जिला और चेचर वैशाली जिला से नव पाषाण युग के अवशेष मिले हैं। मिस क्वेश्चन पूछेगा पाषाण युग के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मुंगेर से, और नव पाषाण युग के अवशेष तो चिरांद और चेचर। चिरांद अभी बना है सारत जिला और चेचर में वैशाली जिला। विधेय माधव की कहानी सतपथ ब्राह्मण से मिलती है जिसमें विधेय माधव सरस्वती के तट पर रहते थे तथा वैष्णव के को मुख में धारण किए हुए थे। घृत का नाम लेते ही अग्नि मुख से बाहर आ गई तदा नदियों को जलती हुई सदानीरा बिहार की वर्तमान गंडक नदी के तट पर ठहर गई। विधेय माधव आदि के पीछे पीछे अपने गुरु गौतम राहुगण के साथ यहाँ तक आ गए। अग्नि ने सदानीरा के पूर्व विधेय का को निवास स्थान बनाया। सदानीरा नदी कौशल और विधेय की सीमा थी। वैदिक साहित्य में कीटक, भारतीय प्रदेश आदि का उल्लेख है जो बिहार के लिए
संदर्भित था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपदों मगध, वज्जी और अंग का वर्णन अंगुत्तर निकाय मीन्स बौद्ध साहित्य एवं भगवती सूत्र जैन साहित्य में मिलता है। अंग आधुनिक भागलपुर व मुंगेर जनपद की राजधानी क्या थी? चंपा थी और बिबिनसार ने इसे मगध में मिला लिया था। वज्जी संघ ने मगध के उत्तर दिशा में 8 गणराज्यों का एक संघ था जिसमें विदे, वज्जी और लिच्छवी विशेष प्रसिद्ध थे। वज्जी संघ में सबसे प्रबल लिच्छवी थे जिसकी राजधानी वैशाली थी जो आधुनिक वैशाली जनपद का बसाड़ गांव था। विदे अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था और इसकी राजधानी मिथिला थी। इम्पॉर्टेंट टर्म। अब बौद्ध संगतियाँ 4 हुई थी बिहार में। सबसे पहला प्रथम राजगिरी 483 ईस्वी पूर्व, अध्यक्ष महाकश्यप, शासक कौन था? अजात शत्रु। और महत्वपूर्ण तथ्य है इसका विनय पटक एवं सुत पटक का संकलन। द्वितीय है वैशाली 383 ईस्वी पूर्व, सर्वकामी, शासक है कालाशोक में शिशुनाग वंश, बौद्ध धर्म स्थावीर एवं महासंगिक में विभाजित। तृतीय पाटलिपुत्र 257 ईस्वी पूर्व, गोंगली पुत्रश्रम और उसका शासक था अशोक। और महत्वपूर्ण तथ्य है कि तीसरा पिटक अभी दिगम पिटक जोड़ा गया। और चौथी है कुंडलवन जो कश्मीर, प्रथम शताब्दी, उसका अध्यक्ष है वसुमित्र अश्वघोष, शासक कनिष्क। और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में विभाजित। ये पूछा जाता है प्रथम का स्थान कहाँ है? प्रथम राजगिरी, द्वितीय वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन। वैसी जैन संगीतियाँ प्रथम पाटलिपुत्र, द्वितीय वल्लवी। देखिए बौद्ध संगीता में जो पाटलिपुत्र है थर्ड स्थान पर आता है और जैन संगीति में पाटलिपुत्र फर्स्ट। और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभर और शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित। 12 अंगों का संपादन। द्वितीय है वल्लवी जो गुजरात में है और इसका महत्वपूर्ण तथ्य है धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर लिपिबद्ध किया गया। जान लेते हैं बुद्ध के बारे में, फिर महावीर, ये सब इम्पोर्टेंट होंगे, सब बिहार से ही रिलेटेड है। तो बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईस्वी पूर्व कपिल वस्तु के लुबनी में, शाक्य कुल, मृत्यु 483 ईस्वी कुशीनगर में। पिता सुधोदन, माता महामाया एवं प्रजापति गौतमी, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, बचपन का नाम सिद्धार्थ। 29 वर्ष में गृह त्याग, 35 वर्ष में आयु में ज्ञान, 6 वर्ष तपस्या। बैसाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना पुनपुन तट पर ज्ञान प्राप्त तथागत एवं बुद्ध कहलाएं। बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और बंध। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिवदा। अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। प्रांतीय समुपात बुद्ध के उपदेशों के सार हैं। अब जानते हैं महावीर के बारे में। जन्म 599 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम ज्ञात्रिक कुल, मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व पावापुरी में। पिता सिद्धार्थ, वहाँ पे बुद्ध का नाम भी सिद्धार्थ है, इसके पिता का नाम सिद्धार्थ है। माता त्रिशला लिच्छवी राजकुमारी, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना, जमाता जमाली।
30 वर्ष में ग्रीत्या, 42 वर्ष में आयु में कैवल्य, इन्होंने 12 वर्ष तपस्या की थी। जुम्भीक्राम के निकट त्रिजालुपा नदी के किनारे साल ब्रिज के नीचे ज्ञान प्राप्त होने के बाद केवलिन जिन विजेता अहर्त योग और निरंतर बंध रहित कहलाए। जैन धर्म के 24 तीर्थकार, जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण, और 5 महाव्रत है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आचार्य और ब्रह्मचर्य। महावीर ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य दिया, जबकि शेष 4 व्रत पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित थे। अनेकांतवाद तथा सप्त भगिनी की ज्ञान की सापेक्षा का सिद्धांत कहा गया है। अब पढ़ते हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश वृहद्रथ वंश था। जरासंध वंश का था, जिसका विवरण महाभारत में भी मिलता है। अन्य साहित्यिक स्रोतों के अनुसार मगध का पहला राजवंश हर्यक वंश था, जिसकी स्थापना विभिन्न साल 544-492 ईसा पूर्व ने की थी। बिबिनसार ने कौशल थी राजकुमारी कोसला देवी से विवाह कर काशी को दहेज में प्राप्त किया। इसके अलावा उसने वैशाली की राजकुमारी चेलना से भी विवाह किया। बिबिनसार ने अंग नरेश ब्रह्मादत्त को विजित कर अंग को मगध में मिला लिया। उसका अवनति के शासक चंद्रप्रद के साथ युद्ध हुआ था। कालांतर में प्रदोत के इलाज के लिए उसने अपने वैद्य जीवा को भेजा था। बिबिनसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या मगध का शासनकाल 42-460 ईस्वी पूर्व बना। अजातशत्रु द्वारा बिबिनसार की हत्या से क्रोधित काशी नरेश प्रसन्नित ने मगध से काशी वापस ले लिया। कालांतर में दोनों में युद्ध और संधि हो जाती है। अजातशत्रु का काशी की राजकुमारी वाजरा से विवाह होता है, वह काशी पुनः प्राप्त हो जाती है। अजातशत्रु ने बंजी संघ पर आक्रमण कर लिच्छवी को मगध साम्राज्य में मिला लिया। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्कर को महात्मा युद्ध के पास गणराज्यों को विजित करने का उपाय जानने के लिए भेजा था। उसके काल में ही महात्मा गांधी की मृत्यु, महात्मा बुद्ध की मृत्यु 486 ईस्वी पूर्व हुई। 483 ईस्वी पूर्व में इसके संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, देखिए राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। और अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उदयन मदक मगध का शासक 462-444 ईसा पूर्व बना। उसने अपनी से पाटलिपुत्र तथा सोन के संगम पर बसाया नया घर नगर स्थानांतरित किया। उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नाग दशक ने क्रमशः शासन किया। शिशुनाग वंश 412-344 ईसा पूर्व। शिशुनाग हर्यक वंश के अंतिम राजा नाग दशक का अमात्य व काशी का राज्यपाल था। शिशुनाग ने अवंती कौशल और वत्स को विजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। उसके पश्चात उसका पुत्र कालाशोक काकवर्ण शासक बना। इसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व का आयोजन हुआ, जिसमें स्थवीर और महासंघिक में संघ का विभाजन हो गया। नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश महापदम ने शिशुनाग का अंत कर नंद वंश की स्थापना की और पुराणों में उसे सर्वश्रांतक कहा जाता है। उसे एक छत्र एकराट भी कहा गया है। उसे शूद्र व दासी पुत्र भी सभी स्रोतों में बताया गया है। उसे पौरव इच्छावाकु पांचाल कौरव है कलिंग सूरसेन मैथिल अस्मक वितिहोत्र राज्यों का शासक बताया गया है। और उसके समय में
मगध साम्राज्य की सीमा गंगा घाटी को पार कर गई थी। इस वंश का अंतिम शासक घनंद था। उसी के समय यूनानी सिकंदर का आक्रमण हुआ था। तो आज बस यहीं तक। इसका पार्ट टू आएगा जिसे पढ़ेंगे मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, अशोक के लघु शिलालेख। तो आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।